हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब? उम्मीद करते हैं सब बहुत अच्छे हैं। आज एक नई व्लॉग में आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज है 21 अक्टूबर, आज है महासप्तमी। तो हम लोग सुबह सुबह नाश्ता करके निकल गए ठाकुर देखने। पूरा जमशेदपुर का दुर्गा पूजा अगर आप देखना चाहो ना, तो 5 दिन भी कम पड़ जाता है, इसलिए सब सुबह सुबह भी निकल जाते हैं पूजा देखने के लिए, पैंडल देखने के लिए। हम लोगों को थोड़ा मार्केट में काम भी था, कुछ शॉपिंग भी करना था, और सोचा 2-4 पैंडल भी देख लेते हैं, क्योंकि रात को टाइम नहीं मिलता है, बहुत लेट नाइट हो जाता है। तो इसलिए हम लोग कुछ पैंडल भी घूम लिए और थोड़ा शॉपिंग भी कर लिया। ये पैंडल बनाया गया है बैम्बू से, मतलब बांस से। तो इतना वर्क देखिए, सारा ये सारा बैम्बू का है, इतने अच्छे से वर्क किया है। ये पैंडल भी देखिए कितना सुंदर है। ये पैंडल बनाया गया है कॉटन और फोम से। दुर्गा माता की मूर्ति भी बहुत सुंदर बनाया है, और अंदर का डेकोरेशन भी देखिए बहुत सुंदर है। अभी रात को भी आ गए हैं हम लोग ठाकुर देखने। तो इस पैंडल में आके ये चीज़ ना बहुत अच्छा लगा, ये लाइटिंग देखिए, इसमें गंगा आरती हो रहा है, कितना सुंदर से लाइटिंग का काम किया है। यहाँ पे खाने का स्टॉल लगा है, मैंने बताया था ना, हर मेले हर पैंडल में यहाँ पे मेला बैठता है। तो ये है पूरा एरिया, बहुत बड़ा एरिया है, बहुत सुंदर भी है। तो हम लोग पूरा परिवार मिल के आए हैं, मेरे सास ससुर, मेरे ननद, सब मिल के हम लोग आए हैं। यहाँ पे देखिए कितना भीड़ है, और ये एरिया बहुत बड़ा है ना, तो इसलिए इतना ज़्यादा दिख नहीं रहा है, लेकिन इतना भीड़ था ना अंदर, बहुत भीड़ था। तो ये है पैंडल। तो ये थोड़ा सा वो जो पुराना हवेली जैसा होता है ना, इस टाइप का बनाया है इधर। दुर्गा प्रतिमा भी बहुत सुंदर बनाया है, और ये मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये आसपास का जो लाइटिंग है, इतना पेंटिंग रखे हैं, ये सब सारे पेंटिंग्स देखिए बहुत सुंदर बनाया है। यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज़ हमने देखा है, ये ढाक प्रतियोगिता, ये हर जगह पे होता नहीं है, तो बहुत अच्छा लगा ये देख के, कितने अच्छे से बजा रहे हैं सब एक साथ। ये शायद इन लोगों का कंपटीशन हो रहा है, बहुत अच्छा लगा ये देख। यहाँ पे हम लोग कुछ सेल्फी ले लिया। आज से शुरू हो गया महाअष्टमी, तो ये हम लोग पुष्पांजलि देने के लिए जा रहे हैं। ये जो मंडप आप दिख रहे हो, ये मेरे बिल्डिंग के, मेरे फ्लैट के जस्ट नीचे ही है। तो हम लोग आ गए पुष्पांजलि देने के लिए, और ये इतना ज़्यादा भीड़ हो गया यहाँ पर भी। तो इस बार बहुत लेट पुष्पांजलि है ना, इसलिए सब इतना ज़्यादा भीड़ हो गया है। और इस भीड़ के कारण ना आयांश भी परेशान हो गया है, वो यहाँ पे रुकना ही नहीं चाहता है। फिर से हम सब मिलके ठाकुर देखने निकल गए। आज मम्मी पापा आए नहीं, आज हम लोग दोनों मिलके, मतलब हमारे फैमिली और मेरे ननद की फैमिली, हम लोग मिलके बाइक से आ गए हैं पूजा देखने के लिए। तो पहले ये पैंडल में ही आया है, और ये पैंडल भी देखिए बहुत सुंदर बनाया है, ये भी कुछ महल जैसा लग रहा है। अभिराज और आयांश देखिए बाली में खेलने लग गया, बाली मतलब रेत में खेलने लग गया। अभिराज मेरे ननद का बेटा है, वो आयांश से 1 साल बड़ा है, बहुत शांत बच्चा है, एकदम अच्छा बच्चा है। तो ये ना आयांश को देख देख के ये भी बदमाशी करना सीख गया। तो चलिए आप लोगों को पैंडल के अंदर लेके चलते हैं।
मैंने कुछ बोला नहीं क्योंकि मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ आप लोगों को कैसा लगा जमशेदपुर का ये पेंडल, ये डेकोरेशन, ये दुर्गा पूजा। आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताना आप लोगों को कैसा लग रहा है। हम लोग आ गए हैं एक और दूसरे पेंडल में, ये है उड़िया क्लब। तो यहाँ पे भीड़ देखिए, इतना ज़्यादा भीड़ ना, बच्चे ना परेशान हो गए। यहाँ पे अच्छे अच्छे खाने का स्टॉल है, फंक्शन भी हो रहा है और मेला भी लगा है, इसलिए यहाँ पे इतना ज़्यादा भीड़ है। तो ये भीड़ के कारण हम लोग तो अंदर जा नहीं पाए, अंदर से कैसा डेकोरेशन किया है ये देख नहीं पाया। तो जस्ट बाहर बाहर से हम लोग देख के और यहाँ पे ढोसा खा के हम लोग आ गए हैं। ये उड़िया लैंग्वेज में ये गाना चल रहा है। तो कैसा लगा आप लोगों को उड़िया डांस, हमको ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और ये आ गए हम लोग एक और पेंडल में। तो यहाँ पे भी इतना भीड़ था ना, हम लोग अंदर जाने का साहस नहीं हुआ क्योंकि बच्चे भी परेशान हो जाते हैं ना भीड़ में। तो ये है हिंद क्लब, बस बाहर से पेंडल देख के और बाहर से दुर्गा माँ को प्रणाम करके हम लोग आ गए हैं। घूम घूम के ना हम लोग भी बहुत टायर्ड हो गया है। हम दोनों का फेस देखिए, हंसने का भी मन नहीं हो रहा है। तो आज है नवमी, तो रात को हम लोग आ गए हैं फिर से ठाकुर देखने। ये है तरुण संघ, तो बहुत अच्छा डेकोरेशन किया है लाइटिंग का, इतना सुंदर सुंदर लाइटिंग लगाया है, बहुत अच्छा लग रहा है। और भीड़ भी देखिए बहुत ज़्यादा है, नवमी के दिन तो बहुत ज़्यादा भीड़ होता है। अष्टमी और नवमी ये दोनों दिन तो जमशेदपुर में मतलब पेंडल घूमना तो पॉसिबल ही नहीं हो पाता है, तो इसीलिए आज पापा जी आए नहीं, बस हम लोग ही आए हैं। ये लाइटिंग देखिए कितना सुंदर लग रहा है, तो जब एंट्री में ये वाला लाइटिंग दिया है और यहाँ पे जो प्रोग्राम हो रहा है सिर्फ म्यूज़िक का, तो इतना अच्छा लगा ना सुन के, मतलब हम लोग बैठे थे यहाँ पे कुछ आधा घंटे तक, तो बहुत अच्छा लगा सुनने में। इसी म्यूज़िक के साथ साथ आप लोगों को लेके चलती हूँ अंदर पेंडल के अंदर। तो पेंडल के अंदर का डेकोरेशन देख के ना मुझे ना मतलब मैं स्पीचलेस हो गया था, इतना अच्छा लगा मुझे। यहाँ का पेंडल जितना अच्छा था उतना अच्छा प्रोग्राम था और उतना ही अच्छा यहाँ का मूर्ति था, माँ देवी दुर्गा का मूर्ति इतना अच्छा बनाया था ना। पूरे जमशेदपुर में मैंने जितना पेंडल देखा, मूर्ति देखा, सबसे अच्छा मुझे यही लगा, बहुत अच्छा था, बहुत बहुत ज़्यादा। और आप लोग भी देखिए और मुझे कमेंट करके बताइएगा कौन सा पेंडल आप लोगों को अच्छा लगा। तो आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं एक अगले न्यू ब्लॉग में। इस वीडियो में अगर कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड सबको हैप्पी दशहरा। थैंक यू।